नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बॉक्स नट का एक शोल्डर बैग बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का 1.5 मीटर कॉर्ड दो लिया है और 2 मीटर का 30 पीस कॉर्ड लिया है फ्रेंड्स, और येलो कलर का 2 मीटर का 2 कॉर्ड लिया है और सीजर और लाइटर। 1.5 मीटर कॉर्ड को ऐसे दोनों कॉर्ड के एंडिंग को ऐसे जलाकर ज्वाइंट करके लेना है फ्रेंड्स। दोनों कॉर्ड को ऐसे ही ज्वाइंट करके लेना है। 1.5 मीटर का ये जो कॉर्ड है दोनों, इसे हम हैंडल के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको जितना लंबा हैंडल चाहिए आपको उतना ही कॉर्ड लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों कॉर्ड को जला के ले लिया है ज्वाइंट करके। अब यहाँ पे 2 मीटर का जो कॉर्ड लिया है उसे हाफ फोल्ड में लेना है, और ये जो हैंडल के लिए हमने यूज़ किया है उस कॉर्ड पर हमें इस कॉर्ड को अटैच करना है, यानी फिक्स करना है। कॉर्ड को फिक्स करने के बाद दोनों तरफ से कॉर्ड को एक बार ऊपर से नीचे की तरफ रैप कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे ही 15 कॉर्ड को ऐसे ही फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इससे आपको बैग बनाने में बहुत ही आसानी होगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरे 15 कॉर्ड को फिक्स करके ले लिया है। ऐसे ही सभी कॉर्ड को फिक्स करके लेना है। अब यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना शुरू करना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग का 2 कॉर्ड में बॉक्स नॉट डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 कॉर्ड को लूप करके ऐसे फोल्ड करके लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जो है उसे उसके ऊपर से रैप करके टाइटली पकड़ना है। ऐसे अंगूठे से ऐसे ही पकड़ करके नीचे का जो कॉर्ड है उसे ऊपर करना है ऐसे, और उसके बाद साइड में जो कॉर्ड है उसे लूप के अंदर डालना है। अब यहाँ पे नीचे का जो कॉर्ड है उसे स्लोली खींचना है नीचे, बाद में ऊपर का कॉर्ड खींचना है फ्रेंड्स। ऊपर का यानी लेफ्ट साइड का कॉर्ड पहले खींच के टाइट करना है, बाद में राइट साइड का कॉर्ड खींचना है। अब यहाँ पे एक बॉक्स नॉट बन चुका है। नेक्स्ट का 2 कॉर्ड लेना है और उसे लूप करके ऐसे लेना है, उसके ऊपर से नेक्स्ट कॉर्ड से रैप करना है, बाद में ऊपर करना है नीचे का कॉर्ड, और साइड का कॉर्ड जो है उसे लूप के अंदर से लेना है ऐसे, और नीचे का कॉर्ड खींचना है फ्रेंड्स, और लेफ्ट साइड के कॉर्ड को स्लोली खींचना है, टाइट करना है, और बाद में राइट साइड का कॉर्ड फिर से खींचना है। ऐसे ही पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स बॉक्स नॉट डालते हुए। मैंने यहाँ पे पूरा एक लाइन कंप्लीट करके ले लिया है बॉक्स नॉट डाल के। अब यहाँ पे साइड का दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड छोड़ देना है, और दोनों नॉट का एक एक कॉर्ड लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो 2 कॉर्ड मिलेगा उससे यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है, सेम बॉक्स नॉट डालना है जैसे मैंने पहले बनाया था। 2 कॉर्ड लेना है ऐसे, देखिए 2 नॉट का 2 कॉर्ड रहेगा ऐसे, उसी से बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे बॉक्स नॉट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप एक बैग बनाओगे तो आपको बॉक्स नॉट आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा, आप आराम से बॉक्स नॉट से सभी आइटम बना सकते हैं फ्रेंड्स। एक नॉट बनने के बाद नेक्स्ट का 2 कॉर्ड लेना है और उससे भी बॉक्स नॉट डालना है ऐसे ही। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियो स्लो लिया है फ्रेंड्स, आपको नॉट समझ में आ जाए, बाद में ये वीडियो फास्ट में होगा तो आपको सब्र से इस वीडियो को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है। मेरा यहाँ पे सेकेंड लाइन बॉक्स नॉट डाल के कम्प्लीट हो चुका है। अब साइड में जो कॉर्ड छोड़ा था उसे भी लेना है, और उससे यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग का 1st का कॉर्ड जो है उसे लेना है, और 2nd जो कॉर्ड है उसे भी लेना है और बॉक्स नॉट डालना है। एक नॉट के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट का जो 2 कॉर्ड रहेगा उससे यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही बॉक्स नॉट डालते हुए 3rd लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। थर्ड लाइन कंप्लीट करने के बाद दोनों तरफ से साइड का एक एक कॉर्ड छोड़ देना है,
और बीच का दो कॉर्ड लेना है, नॉट के दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड लेना है और यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही फोर्थ लाइन भी कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोटल 5 लाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब साइड का दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड छोड़ देना है और बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लाइन में साइड में जो दो कॉर्ड छोड़ा था उस कॉर्ड से भी बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरा 7 लाइन नॉट डाल के कंप्लीट करके ले लिया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड छोड़ देना है और नॉट का दोनों कॉर्ड लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कॉर्ड को लेना है और बॉक्स नॉट डालना है, लेकिन बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम यहाँ पे बॉक्स नॉट से नेट बैग बना रहे हैं, तो हम जैसे स्क्वायर नॉट में नेट बैग बनाते हैं वैसे यहाँ पे गैप छोड़कर हमें यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है। नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है और सेम बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। पूरा एक लाइन ऐसे ही बॉक्स नॉट डालते हुए कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको थोड़ा गैप दिखाई देगा नॉट से, दोनों नॉट में से थोड़ा गैप है यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट का दो दो कॉर्ड लेते हुए बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पूरा एक लाइन कंप्लीट करके ले लिया है। दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड छोड़ा था, अब यहाँ पे भी दोनों तरफ से एक एक कॉर्ड छोड़ देना है। दोनों नॉट में से दो कॉर्ड लेना है और यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही बॉक्स नॉट डालते हुए पूरा एक लाइन कंप्लीट करना है। ये सेकेंड लाइन है फ्रेंड्स। सेकेंड लाइन कंप्लीट करने के बाद थर्ड लाइन में भी साइड का दोनों तरफ से एक कॉर्ड छोड़ देना है और बॉक्स नॉट डालना है। ऐसे ही बॉक्स नॉट डालते हुए थर्ड लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। थर्ड लाइन कंप्लीट करने के बाद साइड का दोनों तरफ से एक कॉर्ड छोड़ देना है और बॉक्स नॉट कंटिन्यू करना है। फोर्थ लाइन भी ऐसे ही कंप्लीट करना है बॉक्स नॉट डालते हुए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 लाइन कंप्लीट करके ले लिया है। ये बैक का एक साइड है, ऐसे ही और एक बना के लेना है। मैंने यहाँ पे बना के ले लिया है, देख लीजिए फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही सेम बना के लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम दोनों बैक के दोनों तरफ को ज्वाइंट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीटर का येल्लो कलर कॉर्ड लिया है, 2 कॉर्ड लेना है फ्रेंड्स दोनों तरफ ज्वाइंट करने के लिए। अब यहाँ पे कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेना है और यहाँ पे राइट साइड का येल्लो कलर का जो कॉर्ड है उससे यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। उस साइड को वैसे ही छोड़ देना है, हाफ फोल्ड में लेकर येल्लो कलर कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लूप करके लेना है और उसके ऊपर से ऑरेंज कलर कॉर्ड को रैप करके देना है और येल्लो कलर कॉर्ड को ऊपर करना है ऐसे, और उसके बाद ऑरेंज कलर का जो साइड में कॉर्ड है उसे उस लूप में डालना है और नॉट डालना है। बीच में अंगूठे से टाइटली पकड़ना है और येल्लो कलर कॉर्ड को खींचना है और ऊपर से ऑरेंज कलर कॉर्ड को भी खींचना है, बाद में येल्लो कलर कॉर्ड को ऊपर से खींचना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बॉक्स नॉट बन चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का ऑरेंज का कॉर्ड जो है उसे ऐसे ही छोड़ना है और येल्लो कलर कॉर्ड से फिर से नेक्स्ट नॉट जो है उसी लाइन में सेम बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं साइड का कॉर्ड बीच में कैसे आ गया। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, साइड का कॉर्ड बॉक्स नॉट में ऐसे ही साइड से आ जाता है फ्रेंड्स, देख लीजिए। मैंने साइड में येल्लो कलर कॉर्ड लिया है, तो अब यहाँ पे येल्लो कलर कॉर्ड जो है ये बीच में आ जाएगा बाद में। सेकेंड लाइन का ऑरेंज कलर कॉर्ड को छोड़कर यहाँ पे येल्लो कलर कॉर्ड से नेक्स्ट लाइन में नॉट डालना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉट से एक नॉट को यहाँ पे गैप है, वैसे ही आपको गैप छोड़कर ही नॉट डालना है, इससे ये नेट बैग बनेगा फ्रेंड्स।
सभी जगह एक जैसा ही गैप छोड़ना जरूरी है फ्रेंड्स। येलो कलर का थर्ड लाइन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में लेना है, ऐसे ही येलो कलर कॉर्ड से फोर्थ लाइन में भी नॉट डाल के कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे फोर लाइन कंप्लीट कर लिया है। राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे चार कॉर्ड ऑरेंज कलर का यहाँ पे आ चुका है साइड में, देख लीजिए। एक साइड में अटैच करके हो चुका है, अब यहाँ पे दूसरी साइड में भी अटैच करना है। येलो कलर कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेना है और राइट साइड में कॉर्ड को छोड़ देना है फ्रेंड्स। ऐसे यहाँ पे येलो कलर कॉर्ड को लेकर बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। राइट साइड का ऑरेंज कलर कॉर्ड को ऐसे ही छोड़ना है और येलो कलर कॉर्ड को लेकर नेक्स्ट ऑरेंज कलर कॉर्ड पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। आपको बनाते हो पता चल जाएगा, बहुत से यहाँ पे वीडियो देख लीजिए पूरा। मैंने पूरा चार नॉट डाल के ले लिया है। ऑरेंज कलर का फोर कॉर्ड साइड में आ चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है उसे ज्वाइंट करेंगे हम। इस पार्ट को पहले उल्टा करके लेना है ऐसे और दूसरे पार्ट को उसके ऊपर से रखना है। इस पार्ट में साइड में जो कॉर्ड छोड़ा हुआ है उस पर हम येलो कलर कॉर्ड को लेकर बॉक्स नॉट डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे उस पार्ट में येलो कलर कॉर्ड को ज्वाइंट किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है, देख लीजिए। नेक्स्ट लाइन में लेना है आप, नेक्स्ट लाइन में भी येलो कलर कॉर्ड को लेकर यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है। सेम ऐसे ही पूरा फोर लाइन कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे येलो कलर का जो दो लाइन है उसके बीच में जो ऑरेंज कलर का कॉर्ड है उससे भी यहाँ पे बॉक्स नॉट डालना है फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर के एक नॉट के बाद सेकेंड लाइन में दो नॉट डालना है। दो नॉट के बाद थर्ड लाइन में तीन नॉट डालना है। फोर्थ लाइन में यहाँ पे फोर नॉट का साइड है, देख लीजिए। एक नॉट, दो नॉट, तीन नॉट, चार नॉट बन चुका है यहाँ पे ऑरेंज कलर कॉर्ड पे एक साइड में।
पे फ्रंट का दोनों साइड को अटैच करके ले लिया है। ऐसे ही दोनों तरफ को अटैच करके लेना है पहले। बाद में यहाँ पे दो नॉट के दो कॉर्ड लेकर यहाँ पे एक एक राउंड नॉट डालते हुए कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप पैटर्न में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे मेक्रम आर्ट बाय एस एन मेरे नाम से फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो ऐसे नए नए वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया नया वीडियो ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ मुझे बेल आइकन में बेल दबा दीजिए। ऐसे ही बॉक्स ना डालते हुए एक एक राउंड कंप्लीट करते जाना है। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं येलो कलर का साइड का जो कॉर्ड है दोनों यहां पे मिडल पे आ चुका है। ऐसे ही आता है फ्रेंड्स, बॉक्स नॉट में साइड से कॉर्ड बीच में आता है, बीच का कॉर्ड साइड में जाता है। मेरा यहां पे ऑलमोस्ट बैग रेडी हो चुका है। मैंने यहां पे येलो कलर कॉर्ड से पूरे 17 राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। बैग के साइड में जो बॉक्स नॉट है उसे हम हाफ मीटर का दो एक्स्ट्रा कॉर्ड ज्वाइंट करके लेंगे। दोनों नॉट में हाफ हाफ मीटर का एक्स्ट्रा कॉर्ड ज्वाइंट करके लेना है। दोनों कॉर्ड को ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे बैक को उल्टा करके लेना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जिस कॉर्ड पे हमने हाफ मीटर का एक्स्ट्रा कॉर्ड ज्वाइंट किया है दोनों कॉर्ड पे साइड का दो दो कॉर्ड लेते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट डालेंगे। फ्रेंड्स, जो अपोजिट अपोजिट कॉर्ड रहता है उससे यहाँ पे बीच के कॉर्ड पे स्क्वायर नॉट डालना है। हर एक यानी साइड का दो 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 कॉर्ड रहता है फ्रेंड्स, अपोजिट वाला बीच के कॉर्ड पे ऐसे ही स्क्वायर नॉट डालते हुए कंटिन्यू करना है, पूरा बैग पे एंड करना है। ऐसे ही यहाँ पे बैग नीचे से पैक हो जाएगा। यहाँ पे साइड के सभी कॉर्ड से स्क्वायर नॉट डालने के बाद अब यहाँ पे साइड में और दो कॉर्ड रहेगा, उससे यहाँ पे सिंपल सा एक नॉट डालना है। फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ही सिंपल सा दो नॉट डालना है। नॉट डाल के कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे सभी कॉर्ड को कट कर देना है। कॉर्ड को कट करने के बाद लाइटर से जलाकर वहीं पे साइड पे लगा देना है। ऐसे
देखिए फ्रेंड्स, जलाने के बाद ऐसे दिखेगा। अब इस बैग को सीधा करके लेना है। बैग तो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे हैंडल बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक साइड में रैप करके ले लिया है, एक हैंडल बन चुका है मेरा। तो वैसे ही अब हम यहाँ पे दूसरा वाला बनाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे 3 मीटर का एक्स्ट्रा कॉर्ड लिया है हैंडल पे रैप करने के लिए। हम यहाँ पे रैप करेंगे फ्रेंड्स। कॉर्ड को पहले जलाना है और हैंडल के उस साइड में अंदर की तरफ ऐसे जला के लगा देना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कॉर्ड को रैप कर रही हूँ, देख लीजिए आपको कैसे रैप करना है। इस कॉर्ड पे से ऊपर ले रही हूँ और दूसरे कॉर्ड में से नीचे ले रही हूँ, फिर से यहाँ से ऊपर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रैपिंग जो है एक जैसा कंटिन्यू करना है। अगर लूज बना रहे हैं तो आपको लूज ही कंटिन्यू करना है, टाइट बना रहे हैं तो टाइट ही कंटिन्यू करना है। टाइट करने से थिन बन जाएगा और लूज बनाने से थिक बन जाएगा हैंडल। इसीलिए आपको एक जैसा ही यहाँ पे रैपिंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल है और कॉर्ड भी बहुत ही कम लगता है। स्क्वायर नॉट से भी बॉक्स नॉट में कॉर्ड कम लगता है। नया डिज़ाइन भी है, नया नॉट भी है। ज़रूर इसे बना के देखिए फ्रेंड्स। पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो को देखने के बाद मटेरियल कलेक्ट करके ले लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बेस वगैरह नहीं है, सिर्फ कॉर्ड ही चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कलर का कॉर्ड लिया है। बैग बनाते वक्त फिर से वीडियो देखिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, आपको बनाते वक्त समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बनाते वक्त आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको रैप करते वक्त कॉर्ड 3 मीटर का कॉर्ड ही कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे कॉर्ड को ज्वाइन करके रैप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस बैग के अंदर कपड़ा डालकर जिप को फिक्स करके सी भी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, इससे बहुत सारे लोग बैग बनाना सीख जाएंगे बॉक्स नॉट का। रैपिंग कंप्लीट करने के बाद बचा हुआ कॉर्ड है तो उसे कट कर देना है और कॉर्ड को जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे सुंदर सा बॉक्स नॉट का नेट बैग रेडी हो चुका है। देखिए हैंडल ऐसा लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब ज़रूर इस बैग को बनाइए फ्रेंड्स। धन्यवाद।